तो भाई लोग कैसे हो सभी लोग, पागल में कौन नहीं वीडियो। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं शेडो फाइट 3। अब आज की वीडियो में मेरी फाइट होने वाली है एक बॉस से, बट उससे फाइट करने से पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ पे डुएल की फाइट के लिए, क्योंकि तो थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं ना, पता नहीं भाई वो कितना ज़्यादा पावरफुल बॉस हो। तो एल जी कैज नाम का कोई बंदा आया, इसको हराते हैं जल्दी से फाइट। ठीक है, सही डैमेज लगा भाई, सर पे मारा बिल्कुल उसने। खत्म ना भाई, इसने इतने मूव से मुझे मारा, बट मेरे एक ही मूव में इसका काम तमाम हो गया है। वैसे मैं इससे ज्यादा पावरफुल था तो इसलिए भाई इसको हराना उतने ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट भाई इसी के अंदर मुझे बॉस से फाइट करनी, बट मुझे लगता है बॉस ज्यादा पावरफुल होगा। चलो फाइट भाई, बहुत ज्यादा हेल्प जा रही है। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे इसको दोनों राउंड हरा दिया एलजी कैच को, और इसका काम यहीं पे हो जाता है तमाम। और परफेक्ट तरीके से मैंने इसको हराया, मतलब इसने मुझे एक भी बार भी डैमेज नहीं दिया है, अच्छी बात है। हीरो पे मैं हूँ अभी, तो चलो ठीक है यार, मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। डुएल से मैं ओपन करता हूँ चेस्ट, क्या मिलेगा। ठीक है ओके, कुछ भी काम का नहीं मिला, मतलब सब अंडर पावर है, अच्छी बात है मिला, बट काम का मिलता ना यार। कुछ पावरफुल होता इसका मैं यूज़ कर पाता तो ज़्यादा अच्छी बात होती। एक मैं यहाँ पे चेस्ट भी है रेयर की, ओपन करते हैं। इसका भी सेम वही हाल रहा, इससे भी मुझे उतनी ज़्यादा बढ़िया चीज़ें नहीं मिली है। छोड़ते इन सब चीज़ों को, सीधा चलते हैं फाइट के लिए। पता नहीं किससे होने वाली है। कैप्टन फांग यहाँ पे लिखा दिखा रहा है, E2 दिखा रहा है, कैप्टन फांग E2। चलो ठीक है, फाइट के लिए मैं चल रहा हूँ। द थिंग के अंदर अपनी फाइट होने वाली है, आई डोंट नो कौन बॉस होने वाला है, कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, बट चलो ठीक है। जूस प्लान का फर्स्ट बॉस है ये, राउंड 1। एम्पीरियर से अपनी फाइट हो रही है, इसको मैंने पहले भी हराया था। बिच्छू जैसा डंक मारता है, तो चलो यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट वाला राउंड हरा दिया है। अब इसका नाम एम्पेरियर क्यों है मुझे नहीं पता भाई, इसका स्कॉर्पियन नाम होना था भाई। बिल्कुल बिच्छू जैसे डंक मारता है ये, जैसे बिच्छू ऊपर से डंक नहीं मारता पीछे से, वैसे ये इसके अंदर से निकलता है डंक। यार हेल्थ बहुत कम जा रही है, हरा दिया भाई। इतना भयंकर डंक मारा कि मेरे अंदर ही फंस गया वो पूरा जाके। यार इसको हराना बहुत मुश्किल है, इजी के अंदर क्यों फाइट मुझे बताया भाई, इन्होंने इनको हार्ड रखना था, इंसेंट रखना था भाई, इजी दिखा रखा है, बट भाई फाइट तो हार्ड में मुझे लग रहा है हो रही है, इतना ज़्यादा पावरफुल है ना ये भाई। मैंने गंदी लात उसके मुँह पर मारी थी, बिच्छू का डंक मारता है, डैमेज सही लग रहा है इस बार इसको। Oh!
जाने वाला है। ओ भाई क्या बंदा मारा है, एक फाइनल डैमेज। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि मैं ये फाइट हार गया, सच बता रहा हूँ। जब मेरी इतनी ज़्यादा हेल्थ गई ना तो मुझे लगा भाई अब कुछ नहीं हो सकता है। और भाई आपके भाई ने करके दिखा दिया, राउंड फाइव की बारी है। वेरियस सर्कल, इस बार तो मैं जीतना है भाई, मुझे कुछ भी करके फाइट। अरे भाई शेड की एनर्जी भी नहीं लगी। एक फाइनल डैमेज। ओ भाई कितनी कम हेल्थ मेरी। अरे भाई साहब मैं क्या बताऊँ भाई, मुझे लगा कि मैं हार गया, मेरी हेल्थ तो देखो कितनी कम है। एक भूसा भी मुझे पड़ता है ना तो भाई मेरा काम वहीं पे तमाम हो जाता भाई। बहुत मुश्किल था एम्परियर को हराना, इजी देख के भाई अब बिल्कुल मैं ऐसा गेस करना कि बहुत ज़्यादा आसान होगा इसको हराना भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब आप बोल सकते हो कि 50-50% चांस था, अगर उसका डैमेज मुझे पहले लगता तो मैं हार जाता और मेरा पहले लग गया तो वो हार गया। यहाँ पे एम्परर दिखा रहा है, बट ये शेडो वाला एम्परर नहीं है, ये नॉर्मल एम्परर है। ईटू भी कुछ बोलना चाह रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ मिल रहा है कैरेक्टर से, ईटू से मुझे कुछ मिल रहा है, देखते क्या क्लेम करने को मिलेगा। 25 जीएमसी होंगे मुझे पता है। हाँ चलो, तो इस बॉस को तो मैंने यहाँ पे हरा दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक और फाइट कर लेते हैं यहाँ पे जूस प्लेन में। अब भाई जूस प्लेन अभी एंड नहीं हुआ है, एम्परर दिखा रहा है, कैप्टन फांग दिखा रहा है, छोड़ते इन सब चीज़ों को, मेरी फाइट किससे होने वाली वो देखते हैं। नोजी हेराल्ड में अपनी फाइट हो रही है, पता नहीं किससे होने वाली है, बट ये भी फाइट इजी है। राउंड वन हेराल्ड प्रीस्ट से मेरी फाइट हो रही है, तो प्रीस्ट को हराना है भाई। प्रीस्ट अपने सामने नहीं टिकेगा, डैमेज इसको कम लग रहा है भाई, गंदा डैमेज लग रहा है बट कम यार, इतना कम डैमेज लग रहा है। ओ भाई स्टाइल में मार रहा है, ले ना भाई हम भी मामको मारना आता है। एक ही शेडो बॉल में इसका काम तमाम हो गया है, तो फर्स्ट वाला राउंड में जीत जाता हूँ, मुझे सेकंड वाला भी जीतना है। हेराल्ड प्रिस्ट पावरफुल तो है क्योंकि यार इसको डैमेज बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, बट मैं इसको मौका नहीं देता मारने का, तो राउंड टू की बारी है। चलो स्टार्ट करते हैं फाइट। ओ भाई गंदा मार रहा है, मुझे जीतना है। हेराल्ड प्रिस्ट को मैंने यहाँ पे हरा दिया है भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मतलब ये मुझे डैमेज तो नहीं दे पा रहा था पर इसका डैमेज बहुत ज़्यादा कम लग रहा था, और बहुत ही ज़्यादा लंबी फाइट चली गई। पर फाइनली वही हुआ जो होना था भाई, मैं जीत चुका हूँ। इजी के अंदर अपनी फाइट हो रही थी, शायद मेरे वेपन का डैमेज कम है यार, इसलिए डैमेज काफ़ी ज़्यादा कम लगता है अपने अपोनेंट्स को। चलो ठीक है, यही कुछ था आज की वीडियो में। नेक्स्ट फाइट मुझे हार्ड में दिखा रही है तो वो भी मैं खेलूंगा, बट नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि आज अपन ने बहुत बिग बिग फाइट्स करी है। मतलब एम्परर को हराना भाई बहुत बड़ी बात है, जिसको कि मैंने हरा के यहाँ पे दिखा दिया। तो अगर आपको वीडियो में मजा तो वीडियो कर देना लाइक, शेयर बोल लेना, सब्सक्राइब साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।